फ्रेंड्स, तो एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मी आर्मी में। और आज हम लोग निकले हैं एक बहुत ही सुकूनदायक जगह पर जाने के लिए। इस मुंबई के भीड़ भाड़ भरे शहर के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां पर जाकर आप शांति पा सकते हैं। वैसे मैं भी पहली बार जा रहा हूँ और मैंने भी उसके बारे में बस नेट पे ही देख रखा है, पढ़ रखा है। फ्रेंड्स, हम लोग जिस जगह पे आज घूमने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है जोगेश्वरी केव्स। जोगेश्वरी माता का मंदिर भी है वहाँ पे, तो मंदिर में दर्शन भी करेंगे। तो आज का सफ़र बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सफ़र कितना मज़ेदार रहता है। फ्रेंड्स, मैं अंधेरी पहुँच गया हूँ और यहाँ से लेंगे लोकल जोगेश्वरी के लिए। ये रही हमारी ट्रेन जो हमें जोगेश्वरी पहुंचाएगी और अब इसमें हम बैठ जाएंगे और चुक चुक करके पहुंच जाएंगे जोगेश्वरी। तो लीजिए, हम आ गए हैं जोगेश्वरी में। अगर आप जोगेश्वरी आते हैं तो आपको ईस्ट में जाना पड़ेगा क्योंकि जोगेश्वरी केव्स ईस्ट में ही है। जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन से जोगेश्वरी केव्स मात्र 1.3 किलोमीटर दूर है। आ लो जी, सामने में ही है। फ्रेंड्स, यही है, आप देख सकते हैं जोगेश्वरी का गुफा जिसे जोगेश्वरी केव्स कहते हैं। और यही पे है जोगेश्वरी माता का मंदिर, हम वो भी घूमेंगे। वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जरा गेस करके बताइए कि ये कितने साल पुराना होगा। अगर आप गेस कर सकते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए घूम लेते हैं। बाहर का नज़ारा और अंदर के नज़ारे में ज़मीन आसमान का अंतर है, आप देख सकते हैं। बापरे, तो फ्रेंड्स फाइनली मैं आ गया हूँ जोगेश्वरी केव्स में। आप मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं। ये देखिए, इसका जो छत है ये छत नुमा, और मेरे पीछे है जोगेश्वरी माता का मंदिर। और एक्सप्लोर करते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पे। शायद आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि ये देखिए जोगेश्वरी गुफा का मंदिर भारत का सबसे लंबा गुफा मंदिर है। जोगेश्वरी की गुफा मंदिर 1500 साल पुरानी है। गुफा का अधिकांश भाग भूगर्भ में बना हुआ है। चूँकि इसका पत्थर भुरभुरा है, इसी कारण से अनेक मूर्तियां और गुफा स्तंभ समय के प्रवाह में नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। गुफा में बहुत से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, जिनमें देवी माता जोगेश्वरी, हनुमान जी और गणेश जी की मूर्तियाँ प्रमुख हैं। मुंबई में और भी बहुत सारी गुफाएं हैं, उनमें से एलिफेंटा, महाकाली, कान्हेरी और जोगेश्वरी की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। जोगेश्वरी गुफा एक पहाड़ को अंदर से काटकर बनाई गई है, जिसके एक किनारे पर जोगेश्वरी मंदिर, बीच में आंगननुमा गुफा और दूसरे किनारे पर दो मंजिला गुफाएँ हैं। बीच का भाग क्षीण हो जाने से अब वहाँ एक आंगन जैसा दिखाई देता है। जोगेश्वरी गुफा 6वीं शताब्दी में मौर्य, जो कि कोंकण प्रदेश वाले थे, और कालचूरी राजवंश के द्वारा तराशी गई थी। इस गुफा की समानता अजंता की गुफा संख्या 1 और एलोरा की गुफा संख्या 9 से की जाती है। स्थापत्य शैली में इस गुफा को ब्राह्मणीय शैलोत्कीर्ण स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। गुफा के अंदर घुसते ही आपको 20 खंभों वाला एक हॉल मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी शांति है। और हम जोगेश्वरी केव्स में आ चुके हैं। मेरे पीछे का भी आप नज़ारा देख सकते हैं और आप यहाँ का भी नज़ारा देख सकते हैं। पर बहुत ही थोड़ी सी डरावनी लग रही है। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इसी गुफा में शरण ली थी। खंडहर, तो इसका नाम ही है गुफा। ये जोगेश्वरी की गुफाएं हैं, ऑब्वियसली गुफा जैसी लगनी तो चाहिए। ये देखिए, चारों ओर से घिरा पड़ा है और इसके ऊपर में भी जगह है, हम ऊपर भी चलेंगे। लेकिन पहले ये देखिए फ्रेंड्स, यकीन नहीं होता कि ये मुंबई शहर के बीचों बीच है और इतनी शांति है यहाँ पे। आप मेरे पीछे की दीवार पे
नक्काशी देख सकते हैं, मूर्तियाँ उकेरी गई हैं और बहुत ही अलग लग रहा है। नहीं लग रहा है कि हम मुंबई में हैं, लेकिन मैं आपको बिलीव कराता हूँ कि ये मुंबई में ही है और जोगेश्वरी में स्थित है, जहाँ पर आना बहुत ही आसान है। ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के जस्ट बगल में है, तो अगर आप मुंबई में कहीं भी हो तो आपको जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन के पास आना है। वहाँ से आप ऑटो लेकर भी आ सकते हैं, फिर आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप नौजवान हैं तो वॉकिंग करके भी आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग वॉकिंग करके ही आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब के सब 1500 साल पुराने हैं, सब के सब 1500 साल पुराने हैं। और फ्रेंड्स, सामने में है जोगेश्वरी माता का मंदिर। तो चलिए पहले माता का दर्शन कर लेते हैं। यही वो 20 खंभों वाला हॉल है जहाँ पर जोगेश्वरी माता का मंदिर है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप गेस कर सकते हैं कि समय कितना हो रहा होगा। अभी दिन के 4 बज रहे हैं और अंदर में ये माहौल है, क्योंकि गुफा के अंदर उतनी प्राकृतिक लाइट नहीं है, कृत्रिम लाइट है। मैं आपको बाहर निकल के दिखाता हूँ कि बाहर का नज़ारा कैसा है, बाहर में कितनी रोशनी है। लेकिन चूंकि हम गुफा के अंदर हैं, इसलिए हमें प्रॉपर रोशनी नहीं मिल रही थी। ये देखिए, ये है बाहर का नज़ारा, बाहर का दृश्य, बाहर कितनी तेज़ धूप निकली हुई है। वैसे एक बात है कि इस गुफा के बारे में बहुत लोगों को जानकारी ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर बहुत कम लोग दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए आते हैं। और ये है गणपति बाबा का मंदिर। तो प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा मौर्य। मराठी लोग गणपति पूजा बहुत ही धूमधाम से करते हैं, तो गणपति पूजा के दौरान यहाँ पर काफ़ी चहल पहल रहती है। ये वो स्मारक है जिस पर जोगेश्वरी केव के बारे में जानकारियाँ लिखी हुई हैं कि अगर कोई दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए आता है तो वो इस जोगेश्वरी गुफा मंदिर से संबंधित जानकारियाँ ले सकता है। देखिए, यही वो भाग है जिसका छत नष्ट हो जाने की वजह से ये आंगन जैसा दिखाई देता है। फ्रेंड्स, यही है जोगेश्वरी केव का टॉप व्यू, आप देख सकते हैं। हम अंदर भी गए थे और बाहर का तो यही नज़ारा है। ये देखिए, श्री जगदम्बा काल भैरव मंदिर, एस्टेब्लिश्ड 1935। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मंदिर कितना ही पुराना है और ये गुफा कितनी पुरानी है। फ्रेंड्स, ये है उस गुफा का ऊपरी हिस्सा। ऊपरी हिस्सा को देखकर आपको कतई नहीं लगेगा कि इसके नीचे 1500 साल पुरानी गुफा है, जहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, जोगेश्वरी माता का मंदिर है। ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल से लगता है कि हाँ, कोई नॉर्मल सा इलाका होगा, नॉर्मल सी ज़मीन होगी, लेकिन नहीं, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही पुराना गुफा है। आप इसका एंट्रेंस देख सकते हैं मेरे पीछे, यहीं से हमने एंट्री लिया था और इसके नीचे गए थे। हमें इतिहास को संजो के रखना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं हैं। कुछ समय पहले तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो गया था, यहाँ पर कूड़ा करकट शौचालय भी बन चुका था, यहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा हुआ रहता था। मुंबई हाई कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ से अतिक्रमण हटाया गया, तब जाकर यहाँ थोड़ा बहुत घूमने लायक हुआ है। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा जोगेश्वरी का केव। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जोगेश्वरी केव्स के सामने में बहुत सारी दुकानें हैं, मंदिर भी है, तो एक बार नारा लगा दीजिए, जय श्री राम। तो अब घूमते घूमते शाम हो गई है, हमने बहुत अच्छे से घूम लिया है और अब बस चलेंगे
अंधेरी। तो इस तरह से हमने जोगेश्वरी से ट्रेन पकड़ा और आ गए अंधेरी में। अंधेरी में आने के बाद एक बहुत ही रोमांचक तो नहीं कह सकते, बट एक अलग ही नज़ारा दिखा। ये देखिए, सामने में एक ट्रेन खड़ी है जो विरार जाएगी, और लोग किस कॉस्ट पे यात्रा करते हैं। मुंबई में रहना और अपना जीविकोपार्जन करना, अपनी फैमिली चलाना आसान नहीं होता है। घर तो जाना ही है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इस ट्रेन में, बहुत सारी ट्रेनें हैं, लेकिन फिर भी हर ट्रेन में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो लोग जान पे खेल के सफ़र करते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो जीना है तो ये सब तो करना पड़ेगा, यही लाइफ है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।